सब्सक्राइब कीजिए जेदी ब्लॉगर एंड एजुकेशन चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो हेलो फ्रेंड्स, हमने केमिस्ट्री प्रैक्टिकल जो बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए 75 मार्क्स का है और 5 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें हमने पहला प्रैक्टिकल जो कि पार्ट थर्ड था वो हमने डाल दिया। अब बात करते हैं पार्ट सेकेंड की। पार्ट सेकंड जो कि आयतनी विश्लेषण या अनुमापन से संबंधित है। अनुमापन अर्थात अज्ञात विलयन की मानक विलयन के साथ पूर्ण अभिक्रिया कर सांद्रता ज्ञात करने की विधि को हम अनुमापन करते हैं, जो कि 4 टाइप्स का है, जो बाद में मैं वाइवा के एक वीडियो में आपको इसको पूर्ण विस्तार से बताऊँगा, जो कि 20 मार्क्स का है। अब इसमें 2 प्रैक्टिकल है, एक अज्ञात कॉपर सल्फेट के विलयन की सांद्रता ज्ञात करना और एक दूसरा अज्ञात पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन की सांद्रता ज्ञात करना। तो शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 1 से। प्रैक्टिकल नंबर 1 का उद्देश्य है दिए गए अज्ञात कॉपर सल्फेट के विलयन की सांद्रता ज्ञात करना। मैंने पहले भी बताया था कि एक शब्द इसमें उद्देश्य में मोस्ट होता है, तो यहाँ पर सांद्रता एक मोस्ट है। तो एग्जामिनर पूछ लेता है कि यहाँ पर सांद्रता क्या है, इसकी परिभाषा बताइए। तो विलयन के 1 लीटर में विलय की ग्रामों में घोली गई मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। इस सांद्रता को ग्राम प्रति लीटर से दर्शाते हैं। अब आवश्यक उपकरण, इस प्रैक्टिकल के कौन कौन से आवश्यक उपकरण हैं? तो ये छोटा बीकर है, ये कम विलयन के लिए काम में लेते हैं। फिर ये बड़ा बीकर है, फिर ये कीप है, ये वॉश ग्लास है जो बीकर को ढकने में काम आती है, ये कॉनिकल फ्लास्क है जो ब्यूरेट के ऊपर से जो विलयन डालते हैं बूंद बूंद करके कॉनिकल फ्लास्क में डाला जाता है। फिर बात करते हैं सिद्धांत की। इस सिद्धांत में 3 रिएक्शन है जो कि अपन को याद करनी है, जो कि एग्जामिनर लास्ट पेज पे लिखवा सकता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो 2 कॉपर सल्फेट प्लस 4 KI 2 CuI अर्थात श्वेत अवशेष प्राप्त होता है K2SO4 I2, और दूसरी 2Na2H2O3 प्लस I2 बराबर Na2S4O6 जो सोडियम टेट्राथायोनेट इसको बोलते हैं प्लस 2NaI 2 कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O I2 2Na2H2O3। ये 3 रिएक्शन अपन को याद करनी है। तो आगे शुरुआत करते हैं प्रेक्षण सारणी से। इस प्रैक्टिकल के लिए 2 प्रेक्षण सारणी है, एक ज्ञात कॉपर सल्फेट के विलयन की और दूसरी अज्ञात विलयन विथ हाइपो की। तो पहली ब्यूरेट का पाठ्यांक प्रारंभिक जो कि 0.0 ml क्रम संख्या, फिर ब्यूरेट का अंतिम पाठ्यांक जो कि अंतिम बिंदु पे आएगा, फिर सुसंगत पाठ्यांक अर्थात 2 पाठ्यांक एक समान आएंगे, 2 रीडिंग उसे सुसंगत पाठ्यांक कहते हैं, उनका मध्य निकालना पड़ेगा। फिर दूसरी अज्ञात विलयन विद हाइपो क्रम संख्या, ब्यूरेट का प्रारंभिक पाठ्यांक और ब्यूरेट का अंतिम पाठ्यांक, यही सारणी है। इसमें हाइपो है और इसमें ज्ञात कॉपर सल्फेट है, फिर सुसंगत पाठ्यांक। फिर बात करते हैं गणना की। गणना अज्ञात कॉपर सल्फेट की सांद्रता ज्ञात करने की गणना इस प्रकार है। गणना करते हैं तो सर्वप्रथम नॉर्मलता इंटू तुल्यांक की भार जो कि ज्ञात कॉपर सल्फेट का तुल्यांक की भार है 249.69। इसमें नॉर्मलता ज्ञात करके और इसका गुणा करके आंसर निकालते हैं। तो बात करते हैं कि इस प्रैक्टिकल का क्या परिणाम है। दिए गए कॉपर सल्फेट के विलयन की सांद्रता .. ग्राम प्रति लीटर हुई, जो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। फिर विधि जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल का कार्य है वो या काम है वो विधि होता है, कि विधि किस प्रकार से हम प्रैक्टिकल में ज्ञात करते हैं, कौन सी विधि है और विधि में कौन कौन से स्टेप करने हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस अनुमापन के लिए कॉपर सल्फेट के लिए इस प्रकार की विधि है कि सर्वप्रथम हम कोई ब्यूरेट लें और उसमें ब्यूरेट को पहले आसू जल से धोएं, फिर हाइपो अर्थात सोडियम थायो सल्फेट Na2H2O3.5H2O हाइपो से इसमें पहले ब्यूरेट को अच्छे से साफ धोएं, फिर खंगालें और फिर कीप रख के इस ब्यूरेट के ऊपर और हाइपो से भर दें। फिर अगला स्टेप, कॉनिकल प्लस को कॉपर सल्फेट 10 ml ज्ञात कॉपर सल्फेट व 6 से 7 ml KI सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड भर लें और 1 से 2 मिनट वॉश ग्लास से ढक लें, क्योंकि इसका ये वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वॉश ग्लास से क्यों ढकते हैं, I2 गैस बाहर नहीं निकले इसीलिए इसको वॉश ग्लास से ढकते हैं। फिर इसका कलर गहरा भूरा हो जाता है और प्रत्येक रीडिंग के बाद इसको जिस विलयन से भरते हैं उसको कॉनिकल प्लस को एक बार खंगालें, फिर हाइपो सोडियम थायो सल्फेट Na2H2O3.5H2O वापस बूंद बूंद करके इस कॉनिकल प्लस को हिलाते हुए ब्यूरेट से डालते हैं तो हल्का पीला रंग आ जाता है
और हल्का पीला रंग आने के बाद इसमें एक से दो बूंद स्टार्स जो कि एक सूचक है, वह बिंदु जो कि किसी अभिक्रिया में उपस्थित होने पर रंग परिवर्तन द्वारा अभिक्रिया की पूर्णता की सूचना प्राप्त करता है वह सूचक कहलाता है। अर्थात अंतिम बिंदु पर ज्ञात करने के लिए सूचक के रूप में स्टार्स उपयोग में लेते हैं। यहाँ पर एक से दो बूंद स्टार्स डालते हैं तो इसका रंग गहरा नीला हो जाता है, फिर वापस बूंद बूंद करके हाइपो डालते हैं तो मिल्की वाइट हो जाता है, अर्थात नीला रंग जो आता है वो अदृश्य हो जाता है। जिस बिंदु पर यह रंग अदृश्य हो जाए वह हमारा अंतिम बिंदु है, अर्थात वो रीडिंग होगी। इसी प्रकार क्रमशः तीन रीडिंग लें और जिस दो रीडिंग जैसे कि 4.6 ML दो एक समान आ जाए वो सुसंगत पाठ्यांक है, वही हमारा आंसर है।